63 के छिजारी में रह रहे 2 दर्जन दलितों के घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिया। प्राधिकरण की कार्रवाई बिना किसी आधिकारिक नोटिस के ही की गई। दरअसल ये दलित यहां पर पिछले 31 सालों से रह रहे थे। यहां रह रहे लोगों की माने तो इन्हें कॉलोनियों को इंदिरा गांधी के समय से पट्टे आवंटित हुए थे और ये लोग यहां पर तभी से रह रहे थे। प्राधिकरण की कार्रवाई से झुग्गी वासियों में हड़कंप है, जिसके बाद ये लोग अब इस ठंड में खुले आसमान में रात गुजारने को मजबूर हैं। लोगों का आरोप है कि प्राधिकरण के कर्मचारियों ने इन्हें घर खाली करने का मौका भी नहीं दिया और बुलडोजर को ऐसे ही घरों के ऊपर चला दिया, जिससे लोगों का सारा सामान भी घरों में ही दब गया। नोएडा प्राधिकरण के बुलडोजर ने कई लोगों का आशियाना उजाड़ दिया, वो भी उस घर को जो इन्होंने बड़े सपनों से संजोया था। इन्हें क्या पता था कि 31 साल बाद रहने के बाद ये अपने उस घर को उजड़ता हुआ देखेंगे जिसको इन्होंने सपनों से संजोया था। आखिरकार कौन होगा इनके सपनों के घर को उजाड़ने का जिम्मेदार? कौन देगा अब इनको आशियाना? ये सवाल इन लोगों के सामने मुंबई खड़ा है। कैमरामैन फैजल के साथ संजीव कुमार, समाचार प्लस, नोएडा। उधर ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में फिर गैंगवार छिड़ गया है। इस बार सुंदर भाटी गैंग और अनिल दुजाना गैंग आमने सामने है। एक व्यक्ति देवेंद्र को ग्रेटर नोएडा के गामा वन में गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके चंद घंटों बाद ही अनिल दुजाना के भाई जय भगवान के अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल देवेंद्र की मौत के बाद एक बार फिर अनुमान लगाया जा रहा था कि शहर में गैंगवार छिड़ सकता है। उधर पुलिस खुलकर इस मामले में कुछ भी कहने से कतरा रही है, साथ ही जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट करने की बात कर रही है। वहीं मृतक के परिजनों ने जय भगवान की हत्या में सुंदर भाटी गैंग पर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें पिछले एक सप्ताह के भीतर जनपद में 5 मर्डर हो चुके हैं। गाड़ी में चढ़ते हुए देखे भक्त हुए और नटे भाई न गए उनके घोड़े मोन्यू मालूम नहीं कि नन्न ये मार के गए नन्नू कहते कि राड़े में जा रही है ये तो डर करते हुए। किसी पर सके आपको? हाँ सके हूँ। कौन लोग जिन पर सके? सिमराज भाटी, सहदेव भाटी, रवि तिरखा, शेरू, शीशपाल, तुमने देखिए ये पता चला है कि कल रात किसी टाइम ये अपने घर पे सोता था और यही गांव में रहता था, गांव में घूमता रहता था। जय भगवान इसका नाम है। इसकी गोली लगने से इसकी मृत्यु हुई है। सुबह पुलिस को सूचना मिली है, घर वालों ने सुबह इन्फॉर्म किया है, आके देखा और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। अभी सभी एंगल से देखा जा रहा है कि क्या कारण हो सकता है। अभी घर वालों ने भी कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है। सूबे की पुलिस ही जब अपराध रोकने के बजाय लूट खसोट में जुट जाए तो प्रदेश का क्या हाल होगा? ऐसा ही एक मामला मुख्यमंत्री के गृह जनपद में देखने को मिला, जहां पुलिस पर चेकिंग के बहाने लूटने का आरोप है। बड़पुरा थाने के उडी चौकी में तैनात चौकी इंचार्ज और उनके साथ 5 सिपाहियों पर एक ट्रैक्टर वाले से लूट का आरोप है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले एक शख्स ने आरोप लगाया है कि चेकिंग के नाम पर उससे 1,94,000 रूपये लूट लिए गए। साथ ही किसी से बताने पर पुलिस वालों ने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे डाली। हालांकि इस दौरान ट्रैक्टर चालक के पुलिस वालों ने चालान भी काट दिए। बचाव के लिए पीड़ित ने एसएसपी इटावा और डीआईजी कानपुर मंडल से गुहार लगाई, जिसके बाद डीआईजी आरके चतुर्वेदी ने जांच के आदेश दिए। चालान कर दिया वहां पे और फिर पुल पे आके रोक के मारे तो पुलिस से बताया भी जाता थाने में जाके हमें तबलियों ने, लेकिन पुलिस मारे तो किससे कहा जाए? सोच ही बैठ गया दिमाग ही बैठ गया। बहुत बड़ी बात है, ऐसे 8:30 का टाइम हो गया था और मेरी गाड़ी इधर से पासिंग हो रही है टोल प्लाजा के बजे देख लो पीछे। यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक।